हेलो फ्रेंड्स, किरण द निटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मेन चीज़ बताने वाली हूँ। जैसे कि आप कोई भी आपस में पार्ट्स दो जॉइंट करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो दिखता है जॉइंट आपका। जैसे आप शोल्डर जॉइंट करते हैं तो वो यहाँ से दिखेगा, लगेगा कि यहाँ से कुछ जोड़ रखा है। या आप बूटीज़ बनाते हैं तो उनको आप आपस में जॉइंट करते हैं तो वो जो जोड़ हैं वो दिखते हैं। तो आपको कैसे किया जाए कि ये कैसे करें कि इसके जोड़ बिल्कुल भी दिखाई न दें, ऐसे लगे कि ऐसे बिल्कुल ये बुना हुआ है, जोड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम हम ऐसे जोड़ते हैं, जैसे जो दो पार्ट्स हमने जोड़ने हैं तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं और दो का एक। बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बता रखा है, ये देखिए इधर वाला लेंगे और पिछला लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे और ऊपर से हम निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स वो जोड़ दिखता है, जॉइंट जो वो बनाते हो आप वो दिखता है और बहुत ही भद्दा भी लगता है कई जगह पे। तो बहुत सारी जगह पे आपको ऐसे होना चाहिए होता है कि आपका जोड़ बिल्कुल भी ना दिखे और जो जॉइंट आपने बना रखा है वो बहुत सुंदर लगे, बिल्कुल भी पता ना चले। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप इसको दोनों पल्लों को सिल के कैसे इसका जॉइंट बिल्कुल ऐसे बना सकते हो कि ये बुना हुआ है, बिल्कुल भी जॉइंट लगेगा ही नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें छोटे छोटे दो पल्ले बना रखे हैं आपको बताने के लिए, जस्ट बताने के लिए। आप कैसे भी जैसे आप शोल्डर जोड़ेंगे तो आपके जैसे इधर जितने फंदे हैं इधर भी सेम टू सेम फंदे होने चाहिए। मैंने ये 14-14 फंदे लिए हैं। शोल्डर जोड़ें, कुछ भी जोड़ें जो आपस में आके आप उसको जोड़ेंगे तो आप सिल के उसको कैसे बनाएंगे कि आपका जॉइंट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो ये देखिए ऐसे मैंने रख लिया है, ये इसकी उल्टी साइड दोनों की अंदर वाली साइड को है, सीधी साइड आपको ऐसे दिखेगी। तो ये वाला जो इधर, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सी सिलाई पे इसको ख़त्म करते हो, आप चाहे उल्टी बुन के ख़त्म कीजिए चाहे सीधी बुन के ख़त्म कीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको ये क्रीम कलर के धागे से इसलिए बता रही हूँ ताकि इसमें अच्छा क्लियर हो। वैसे जब आप इसका जॉइंट ये करोगे मिलाओगे तो आपको सेम धागे से ही करना है। ये देखिए जो आपका धागा लगा होगा यहाँ पे आ रखा होगा उसी से आपको ये करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए एक पल्ला जो होगा जो आपकी अपनी तरफ होगा वो आपको सीधा दिखेगा, तो ऐसे अगर करेंगे तो ये आपका उल्टा पल्ला दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले आप इधर वाला फंदा ये ले लेंगे, ये फिलहाल हम फर्स्ट फंदे ले रहे हैं, जो इधर वाला ये लेंगे और ये वाला ले लेंगे। इसको आप एक बार देख लीजिए, ये एक बार ही आपको करना है। तो ये मैंने एक फंदा इसका ले लिया ऐसे, देखिए ये मैंने एक फंदा इसका डाल लिया। और इधर से क्या करेंगे, इधर से हम दो फंदे डाल लेंगे, कैसे भी डाल लीजिए, उधर से डालिए चाहे इधर से डालिए, ऐसे करके दो फंदे जो हैं ये देखिए ऐसे सुई में डाल लेंगे और ये सिलाई पर से साथ साथ निकालते जाएंगे। ये देखिए बहुत ही इजी वे है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आराम से बना लेंगे। अब एक एक करके हम दोनों तरफ से सिलते जाएंगे, कैसे करेंगे ये देखिए। यहाँ से ये जो फंदा हमने छोड़ा है, ये देखिए ये फंदा हमने छोड़ा है, यहाँ से इसको उठा लेंगे और ये जो अपनी साइड के आपका पल्ला है इसको आप एक फंदा ये वाला उठाएंगे और नेक्स्ट वाला फंदा जो है उल्टा लेंगे, ये देखिए ऐसे, और निकाल देंगे। ऐसे इसको निकाल देंगे, ध्यान दीजिए कि दूसरे वाला अगला वाला फंदा इसमें ना निकल जाए। ये देखिए ऐसे हमने कर लिया।
अब इधर वाली साइड आएंगे, यहां से देखिए जो हमने फंदा छोड़ा है, यहाँ दो हमने इकट्ठे डाले थे, एक तो इधर वाली साइड है एक ये है, जो हमने छोड़ा है वो वाला उठा लेंगे पीछे से, आराम से दिखेंगे ये फंदे आपको। ये कैमरे में थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे आपको ये आराम से दिखेंगे। देखिए ये वाला इसको ऐसे हम डालेंगे और इधर वाली साइड से ये फंदा हम सीधा सीधा लेंगे। हमने अपने यहाँ से हमने उल्टा लिया था, इधर वाली साइड से हम ये सीधा लेंगे और इसको ऐसे करते हुए साथ के साथ उतार देंगे। देखिए ऐसे बस, अब आपको ऐसे ही इसको करते जाना है। पिछला फंदा उठाएंगे, ये देखिए यहाँ से ऐसे मैंने पिछला फंदा उठाया है, ये इसको उठाएंगे और ये वाला फंदा हम लेंगे उल्टा, जो अपनी तरफ आपकी सिलाई है उसको आपको उल्टा लेना है। देखिए ऐसे, अब ये वाला पिछला फंदा आपको जरूर उठाना है इसमें, ये देखिए ऐसे, और यहां से लेंगे हम सीधा। ये आपका जॉइंट ऐसे मिलेगा ये वाला कि लगेगा नहीं आपको कि आपका सिला हुआ है, ऐसे लगेगा कि आपका ये सिलाई बुन के आ रखी है। थोड़ा सा हो जाएगा, अभी दिख नहीं रहा है इतना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये पिछले वाला फंदा उठाएंगे यहाँ से, देखिए ऐसे, और ये अपनी वाली साइड का लेंगे हम ऐसे उल्टा। ऐसे लेंगे इसको, ऐसे ही रखते हैं इसको, इजी होगा थोड़ा दिखने में। ये देखिए ऐसे पिछले वाला फंदा लेंगे इसको साथ में, ये देखिए ऐसे, और इसको हम बुनेंगे ऐसे सीधा, जैसे हम बुनते हैं वैसे ही ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ से ये वाला फंदा लेंगे और इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे, जो अपनी साइड होगी आपकी सिलाई वो आप उल्टा लीजिए, जो आपकी उधर वाली साइड है उसको आप सीधा लीजिए। पिछला फंदा उठाना नहीं भूलना है जो आपने छोड़ा है, ये देखिए ये छोड़ा हुआ फंदा, इसको उठा के आप ये वाला लेंगे सीधा, तो आपका ऐसे बन के आएगा कि भी आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ कभी ज्वाइंट भी था। इसको ऐसे आप सीधा ले लेंगे और साथ के साथ निकालते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ पहले। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़े से फंदे मैंने आपस में ज्वाइंट किए हैं, आप देख सकते हैं कि ऐसा आया है कि जैसे आपने ये सीधे उल्टे की सिलाई चढ़ा रखी हो। ये देखिए, ये मैंने इसीलिए अलग वूल से, अलग कलर की वूल से आपको बताया ताकि आपको ये दिखे। अगर मैं इसी के साथ सिलती तो ये आपको नजर भी नहीं आता, तो आपको देखने में प्रॉब्लम होती कि कहाँ हमने ये सिला। ये देखिए सेम टू सेम ऐसा आएगा। तो चलिए थोड़ा सा और करके भी बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए हमने इधर वाली साइड का भी पिछली साइड का किया है, अब यहाँ से लेंगे, ये आपने छोड़ा हुआ फंदा पकड़ना है इसको, और अपनी वाली साइड जो आपके अपने वाली साइड है, इधर वाली साइड आपके हाथ में है, तो आप इसको ऐसे उल्टा लेंगे। ये देखिए उल्टा लेंगे फंदे को, और यहाँ से आप इसका पिछला फंदा उठाइए,
देखिए ऐसे, और ये आप यहाँ से इधर वाला जो पल्ला है दूसरे साइड आपके पड़ रहा है, इस फंदे को आप ऐसे सीधा बुनेंगे जैसे हम बुनते हैं, वैसे लेंगे ये देखिए ऐसे ऐसे। ये देखिए और क्लोज से देखिए आप, यहाँ से ये फंदा दिख रहा है जो आपने छोड़ा है, इसको आप ऐसे करके, ये अपनी तरफ है आपका ये पल्ला, इसको आप ऐसे उल्टा लेंगे और ये आपका दूसरी साइड में जो है इसको आप ऐसे उठाएंगे और इस वाले फंदे को आप लेंगे सीधा। ऐसे ऐसे आता जाएगा आपका, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया। ये फंदा जो छोड़ा हुआ है इसको उठाएंगे और इधर वाली साइड का लेंगे उल्टा उल्टा, यानी कि जैसे आप उल्टा फंदा बुनते हो वैसे। ये देखिए यहां से ये फंदा है जो आपने पहले करा था उसको ऐसे उठाएंगे और यहां से उधर वाली सिलाई का फंदा लेंगे हम सीधा। ऐसे ये जो मेथड है आप बहुत चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जॉइंट जो है बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये देखिए ऐसे लगेगा आपने इसमें ये सीधा का सीधा बुन रखा है। तो ये मैं सारा कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये सारा कर लिया, यहाँ पे बस ये लास्ट वाले फंदे रह रहे हैं, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे करके। ये देखिए ये उधर वाला लास्ट ले रहे हैं हम, और ये हम अब इधर वाला लास्ट लेंगे। ये देखिए ऐसे ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी सिलाई जो है ये पूरी हो गई है और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला है कि ये यहाँ पे जोड़ है। तो ये सिर्फ आपको ये क्रीम कलर का धागा ये दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप ये इस धागे से ये करते तो ये बिल्कुल भी पता ना चलता कि यहाँ पे आपने कुछ सिलाई कर रखी है। और फ्रेंड्स ये थोड़े से हमारे जो स्टिचेज हैं वो हल्के से टाइट दिख रहे हैं यहाँ से, आपको ये ज़्यादा टाइट नहीं करने हैं, ठीक ठीक आपको ये लेने हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बन के ये आपका सिल के आ गया है। तो लास्ट में यहाँ से आप इसको बंद कर देंगे सिल के अच्छी तरह से, तो आपका आराम से ये बनेगा। और फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको बताया है ये आपका बहुत जगह पे ये यूज़ हो गया होगा ऐसे वाला, यहाँ की आपको ज्वाइंट नहीं देना है, आपका ये पता भी नहीं चलेगा। आप इसको कंधों के लिए यूज़ कीजिए, कंधों में ऐसे बनाइए, बूटीज में बनाइए, कोई भी आपको चीज़ उल्टी पूरी घुमा के लानी है उसमें आप जोड़ ना दीजिए। कैप आप ऐसी बना सकते हैं जिसमें आप जोड़ नहीं देंगे, जो साइड से बनती है। नेक्स्ट मैं आपको वो भी कैप भी बनाना बताऊंगी जिसमें आप जोड़ नहीं देंगे, तो आपका दोनों साइड से वो कैप चल जाएगा। अगर आपका जोड़ दिखेगा तो आप एक साइड से ही उसको पहन सकोगे। इस वाले जो वीडियो के आपको बहुत सारे फायदे होंगे, जो आपने ये ज्वाइंट दिया है ऐसे वाला, तो अब आप भी बनाइए अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, थैंक यू।